हाय प्यारे दोस्तों, आज की रेगुलर थाली में मैंने बनाए थे सांभर स्टाइल दाल चावल। इसके साथ चावल जो मैंने बनाए थे वो साउथ इंडिया के स्पेशल चावल हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अरहर की दाल ली थी, ये लगभग एक कटोरी थी। इसमें मैंने ड्रम स्टिक, एक टमाटर, एक प्याज, एक गाजर, 3-4 लहसुन की कलियाँ और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी बीन्स ऐड करी थी। इसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड करा और रेगुलर स्पाइसेस ऐड करे, मिर्च, धनिया, उसके बाद हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और एक चुटकी हींग भी मैंने इसमें ऐड करा था। इन सब चीज़ों को मिलाकर मैंने इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी डाला था, इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। और फिर मैंने इसमें 4 से 5 विसल लगाई थी। दूसरी तरफ मैंने राइस भी सोक करे हुए थे, उनको मैंने प्रेशर कुक ही करा था। और ये दाल क्योंकि 3-4 सीटी में गल गई थी, इसके बाद मैंने एक कढ़ाई में टेम्परिंग तैयार करी इसकी। इसमें मैंने जीरा, थोड़ा सा राई और थोड़ा सा जिंजर जिसे मैंने ग्रेट करा हुआ था, एक प्याज फिर दोबारा से मैंने इसमें ऐड करी। इसके बाद मैंने इसमें सांभर मसाला ऐड करा। सांभर मसाला मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड करा था। बहुत लोग बॉईल करते समय भी डालते हैं बट मैं टेम्परिंग में ही डालती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें इमली का पेस्ट डाला, थोड़ा सा आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ डाल सकते हैं, मैंने जैगरी पाउडर ऐड करा था। इसके बाद उबली हुई दाल मैंने इसमें ऐड कर दी। आज बहुत ढूंढा लेकिन करी पत्ता नहीं मिला था, तो मुझे ये सांभर स्टाइल दाल बिना करी पत्ते के ही बनानी पड़ी क्योंकि विंटर सीज़न में पत्तियाँ थोड़ा सा नहीं मिल पाती हैं इजीली। अब खुशबू के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी भी ऐड करा था। लीजिए, मेरी ये सांभर स्टाइल दाल रेडी हो गई है और ये बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें लगभग सारी ही सब्जियां मैंने ऐड करी हैं। ये राइस मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, ये साउथ इंडिया का फेमस राइस है बेसिकली, तो मुझे इसका नाम नहीं पता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पर खाने में बहुत टेस्टी था। अब ये मेरी प्लेट तैयार हो गई है, इसके साथ ही मैंने फ्राई आलू भी बनाए थे। तो आपको ये लंच थाली कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना ध्यान रखिए, बने रहिए ABCC Anybody Can Cook के साथ।